सो हाय गाइस, मुझे पता है मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाली है गाइस। उसका मेरे पास एक रीज़न भी है। ओह, तो रीज़न काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस। क्या हो गया था, मेरी पूरी माइनक्राफ्ट में से सारे के सारे वर्ल्ड डिलीट हो गए थे और मेरी माइनक्राफ्ट चलनी बंद हो गई थी। तो मैंने उस माइनक्राफ्ट को डिलीट करा और फिर से डाउन करा और मेरे सारे के सारे वर्ल्ड्स चले गए। तो जैसे कि देख रहे हैं, मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और आपको पता ही होगा ये क्या है। और ये है वन ब्लॉक, जैसे कि आपको नहीं पता था, वैसे आपको तुम सबको पता ही होगा। ये हमारे चैनल पे तीसरी वन ब्लॉक की सीरीज होने वाली है, पर क्या करें, सारे के सारे वर्ल्ड डिलीट हो गए। तो आपने मेरे चैनल पे जितनी भी अभी तक मतलब सारी सर्वाइवल सीरीज देखी है, वो सारी की सारी डिलीट हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, हम फिर से सारी सर्वाइवल सीरीज शुरू करेंगे और उनसे भी बढ़िया बनाने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम फिर से वन ब्लॉक खेलेंगे और फिर सारा हम कुछ फिर से अच्छे से करेंगे। और इस बार मैं बिल्कुल बढ़िया और क्लीन वर्ल्ड बनाऊंगा, बिल्कुल भी मतलब ऊटपटांग सा वर्ड नहीं बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना पहला ब्लॉक तोड़ते हैं। वेट, पहला ही ब्लॉक चला गया। अबे यार, चलो कम से कम मिला तो सही। के साइड पर खड़ के हमें अभी से वुड मिल रही है, तो ये तो ठीक काम है। ओके, मैं यहाँ पे खड़ के पहले थोड़ी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, और वुड भी चाहिए ही हमें। और वो वेट नीचे गिर गई, इसके ऊपर करना चाहिए शायद मुझे, क्योंकि अभी के लिए तो ये सेफ ही होगा, क्योंकि अभी तो मॉब्स नहीं आ सकते हैं। थोड़ा एरिया बड़ा कर लेते हैं। पहले मैं इसके साइड पे सारे ब्लॉक्स लगा लेता हूँ, मुझे अभी थोड़ी और डर्ट चाहिए ताकि मैं और डर्ट लगा सकूँ। ओके, वुड तो काफ़ी मिल रही है, तो वुड का तो काम हमारा हो सकता है। मेरे पास तीन वुड हो भी चुकी हैं और अभी ये चौथी वुड भी आ चुकी है, तो यहाँ पे रखते हैं। और एक ब्लॉक बस मुझे और चाहिए डर्ट का अब, क्योंकि साइड पे तो नीचे से गिरेगा सामान नहीं। ओके, तो पहले अच्छे से एरिया तो तैयार हो चुका है और ठीक तो लग रहा है वैसे ये, और क्लीन भी लग रहा है। तो अगले ब्लॉक तोड़ते हैं, और हमारे पास वुड भी है तो वुड का भी काम अच्छा हो जाएगा। और क्ले का तो बहुत ही बेकार काम है। हम अपने वर्ल्ड को हर जगह से एक्सटेंड करेंगे, वरना ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही एक्सटेंड करेंगे, हर तरफ से एक्सटेंड करेंगे ताकि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखे, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्ल्ड बनाना है। और हम गलती से नीचे ही ना गिर जाएं, क्योंकि अगर नीचे गिर गए तो सारा सामान चले जाएगा। वैसे कुछ वन ब्लॉक्स में ऐसा भी होता है कि अगर हम नीचे गिर जाते हैं तो सामान नहीं जाता है, जो कि बढ़िया चीज़ तो होती है, पर शायद पता नहीं हमारे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि नहीं। और मुझे ये टेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। तोड़ लेते हैं थोड़ा सामान। तो अब मैं एक ही क्लिक में सारे साइड एंगल्स भी चेंज कर सकता हूँ, जैसे देख। और ओके, चिकन आई है, बस नीचे मत गिर जाना। ये देख सकते हैं, मैं एक ही एंगल में अपने पूरे साइड एंगल्स चेंज कर सकता हूँ, और ये चिकन काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे साथ, तो ये तो ठीक है। और अपने वर्ल्ड को फिर से एक्सटेंड करते हैं। मुझे पिछली बार यहाँ से करना था। ओके, एक इधर, एक इधर और एक इधर। ओके, अभी एक और डर चाहिए, और अब ये लग जाएगी इधर। तो हमारी तरफ, और अगर बीच से हमें दो ब्लॉक इधर एक्सटेंड हो चुके हैं, बस दो ब्लॉक हमें उधर एक्सटेंड करने हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इसे बिल्कुल इक्वल बीच में रखने वाले हैं। दो ब्लॉक, एक ब्लॉक इधर से एक्सटेंड होगा और इधर से तो है ही है, ठीक है। तो बस इधर लगाने हैं हमें ब्लॉक। और सबसे पहले मेरे पास बोर्ड है, तो मुझे चिकन के लिए भी एरिया बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद खाने की हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें चिकन को संभाल के रखना होगा। बड़ा हरामी हो बेटा। ओके, और ये क्ले पता नहीं क्यों मिलती है। ओके, फाइनली अब अपग्रेड आ चुका है और पहले स्टेज पे तो पहुंच रहे हैं हम। ओके, यहाँ से भी बस यहाँ से रह गया, अपग्रेड होने वाला है। और लगता है अब शायद मॉब जाना शुरू हो जाने चाहिए शायद से, क्योंकि दो दो ब्लॉक सब जगह एक्सटेंड हो चुका है, तो अब मुझे एक्सटेंड इस तरफ करना चाहिए। तोड़ लेते हैं, और मुझे लगता है एक चेस्ट तो बना ही लेना चाहिए, क्योंकि चेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। पहले बना लेते हैं क्राफ्टिंग टेबल, और हमें सैपलिंग्स भी मिली हैं, तो मुझे लगता है सैपलिंग्स भी हमें बनानी पड़ेगी। और सैपलिंग्स हमें, ओके, वर्ल्ड स्टार्ट होने पर हमें सैपलिंग्स मिली है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। बर्ड स्लैप सैपलिंग तो ओके, इसका ट्री ज़्यादा बड़ा होता है, और हमें
अरे कहना क्या चाहते हो? हमें चेस्ट भी बनानी लेनी चाहिए क्योंकि हमें मिली है 3 आइस, जिसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम होता है, जिससे हम वाटर ले सकते हैं, तो वो तो हमें चाहिए ही। तो ले लेते हैं चेस्ट। ये तो चेस्ट तो बना लिया है मैंने, और इसमें जल्दी से अपना सामान रखते हैं जो कि मेन मेन सामान होने वाला है। बहुत सारी डर्ट कलेक्ट कर लूँ तो काम आएगी। और अभी मेरे को इस तरह एक्सटेंड करना है, तो ये डर्ट का ब्लॉक मिला है तो इसको लगा भी देते हैं जल्दी से, क्योंकि 1 ब्लॉक में सुबह आने को तो काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे पास तो शीप भी नहीं है जिससे हम आयरन मिला। इसका मतलब हमें बनानी पड़ेगी एक आयरन की पिक, आयरन की नहीं सॉरी, वुड की पिकैक्स। जल्दी से बना लेते हैं एक वुड की पिकैक्स। बाकी सामान को मैं संभाल के रख देता हूँ अंदर। इसको रख दिया, एक वुड रह गई मेरे साथ। ठीक है चलो जल्दी से तोड़ लेते हैं हम अपना पहला आयरन। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। सो ओके गाइस, अभी जो आपने देखा वो मैं काफी ज्यादा टेंस में आ गया था, क्योंकि हमने जो आयरन और माइन किया वो हमें मिला ही नहीं। नाइस, तो वुड आयरन वुड की पिकैक्स की फिर से जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमें मिल चुका है स्टोन और ये तो कम से कम मिलना चाहिए। मुझे लगता है मुझे एक एक्स भी बनाई लेनी चाहिए, तो जल्दी से रखते हैं। हमारे पास वुड भी है, स्टिक्स भी हैं, तो एक आयरन की नहीं, मैं आयरन की क्यों बोल रहा हूँ, हम बना लेते हैं एक वुडन एक्स। यस, वुडन एक्स बना लेते हैं, और अगर मॉब भी आ जाएंगे तो हमारा काम हो सकता है। ओके, कोल भी मिला हमें। मुझे काफी सामान मिल गया है, इन सबको पहले चेस्ट में रखते हैं, और मुझे डर्ट लगा के अपने चेस्ट को थोड़ा दूर भी करना चाहिए, और मुझे लगता है मैं डर्ट गलत जगह लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे डर्ट को इधर लगाना चाहिए इस तरफ चेस्ट की तरफ, ताकि मैं चेस्ट को तोड़ूं तो मुझे चेस्ट का सामान मिल जाए, क्योंकि पहले इधर एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ट्री को उगने की जगह भी मिल जाए। इधर लगा देते हैं, और मुझे फिर इधर को एक्सटेंड करना है ताकि वो काम आसान हो जाए। ओके, इधर भी लगा दिया। ओके, बारिश शुरू हो चुकी है। ओके, हम गाँव आ चुकी है फाइनली हमारे वर्ल्ड में, और बस ये नीचे ना गिर जाए, मुझे इसी का डर है। तो मुझे लगता है मुझे फैंस बना लेने चाहिए, पर फैंस रखने की जगह भी नहीं है, तो मुझे लगता है मुझे इधर ही घूमने देना चाहिए, क्योंकि जो होगा देखा जाएगा। ओके, काफ़ी सामान हो गया, तो जल्दी से इसको फिर से रखते हैं, क्योंकि हमें बिल्कुल भी सामान को वेस्ट नहीं करना है, तो जल्दी से रख देते हैं इन सबको। हम बाद में इन सबको सेट करके रख देंगे, और बस ये चिकन नीचे मत गिर जाना। ओके, इधर भी एक्सटेंड कर दिया, इधर एक ब्लॉक रह गया, और गाइस अभी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बिजली गिरी है। ओके, इधर भी एक्सटेंड हो चुका है, अब मुझे लगता है मुझे इस तरफ एक्सटेंड करना चाहिए, और बारिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, तो इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, और इधर लगा देते हैं। और मुझे लगता है अभी के लिए मुझे थोड़ी और वुड मिल जाए तो मैं यहाँ पे फेंस, थोड़ी डर्ट मिल जाए तो मैं एरिया बड़ा करके यहाँ पे फेंस लगा दूंगा। और ये पता नहीं बीच में गई जा रहे हैं, तो फिर से लग जाते हैं अपने काम पे। ओके, तो गाइस हमारे वर्ल्ड में आया एक छोटा सा रैबिट, जो कि वर्ल्ड से कुछ ज़्यादा जल्दी चला गया, और अभी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी बिजली गिरी है। तो मुझे लगता है मुझे पहले एरिया बड़ा करना चाहिए, मैं एरिया इस तरह बड़ा कर रहा था, और मुझे लगता है मुझे फेंस लगाई देना चाहिए, और मुझे थोड़ी देर वेट करना चाहिए ताकि ये ग्रास थोड़ी इधर को उग जाए, ताकि हम पूरे वर्ल्ड में ग्रास उग जाए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे पास है 8 कॉबलस्टोन, अगर एक बार हमें लावा बकेट मिल जाए तो हमारे पास कॉबलस्टोन जनरेटर आ जाएगा, तो फिर काफ़ी अच्छी चीज़ होगी। सबको रख देते हैं एक साथ करके। ओके ठीक है, और ये को भी लेते हैं, बाद में काम हो सकता है कभी।
और सबसे पहले बना लेते हैं फैंस। मुझे लगता है मुझे इस वुड की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए मैं ये बर्च लॉक से बना लेता हूँ फैंस। और बिजली पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा गिर रही है कि फैंस बनते किन से हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं और इनकी रेसिपी क्या है। ओके, इसमें हमारे लॉग ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं और ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ लग रही है, तो मुझे लगता है मुझे ये बना लेने चाहिए क्योंकि इससे हमारा वुड भी बच रही है, तो मुझे लगता है मुझे पहले यही बना लेनी चाहिए। ओके, इसमें तो एक स्टिक लग रही है, चार स्टिक्स लग रही हैं और दो लॉग लग रहे हैं, और इसमें चार लॉग लग रहे हैं और एक दो स्टिक्स लग रही हैं, तो वैसे तो ये ज़्यादा बढ़िया चीज़ है, तो मुझे लगता है मुझे यही बना लेनी चाहिए। ओके, पहले काफ़ी सारे स्टिक्स बना लेते हैं और यही बना लेते हैं क्योंकि इसे हम हर साइड से ओपन भी कर सकते हैं। ओके, आठ बना लिया मैंने और मेरी सारी लॉग लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ गया। ओके, इधर ठीक रहेगा, हट जा थोड़ा, इधर हम एनिमल्स को रख सकते हैं अपने। मुझे नहीं लगता ये यहाँ से निकल भी सकते हैं, इसको इधर रखते हैं, इसको इधर और एक इधर, और एक कम पड़ चुका है, मुझे और भी बना लेने चाहिए, यहाँ से तो निकल ही सकता हूँ मैं। अरे यार ये बंद क्यों नहीं हो गया। ओके, चल जाएगा, कितने बनाने पड़ेंगे। ओके, हमने लगाया है वो गलत है, मैं इसको बाद में ठीक करने के लिए सीधा करके लगा दूंगा पूरा ताकि अच्छा लगे। अभी के लिए तो हम ये लगा देते हैं इधर और हमारा कंप्लीट है, बस हमें काओ को इधर भेजना है। और काओ अपने, काओ बहुत ही रिस्की गेम खेल रही है, हमें कैसे भी करके काओ को वहाँ नीचे रखना ही होगा, बस एक बार चले जाए। ओके, तो फाइनली काओ भी जा चुकी है। तो गाइस ये मैं काफ़ी टाइम से यहाँ से खड़ा हूँ और ये ग्रास ब्लॉक फैल ही नहीं रहा है, इसलिए मैं इसको तोड़ने ही वाला हूँ क्योंकि इसका अभी कोई काम नहीं है, क्योंकि ये ग्रास ब्लॉक फैल ही नहीं रहा है। अगर एक बार ये फैल जाता तो पूरे ग्रीनरी हो जाती है, पर फैल भी नहीं रहा है, तो मुझे लगता है जब ये ग्रास आएगी तो मैं इस थोड़ी देर AFK खड़ जाऊँगा ताकि वो ठीक रहे। और मैंने इधर भी एक्सटेंड कर दिया 3 ब्लॉक, अब मुझे इस साइड को एक्सटेंड करना है ताकि हर जगह इक्वल रहे। The next day. फाइन तो कर लिया और मुझे काफ़ी सामान भी मिल गया है, तो इसको फिर से चेस्ट में रखते हैं। और मुझे, मेरे पास स्टोन तो काफ़ी हो चुका है, तो मुझे लगता है एक मुझे स्टोन की पेकैक्स भी बना लेनी चाहिए। मेरे पास स्टिक्स नहीं है, पहले स्टिक्स बना लेते हैं और बना लेते हैं स्टोन की पिकैक्स। और ये कैंप फायर हम खाना पकाने के लिए बना सकते हैं, पर मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम बना लेते हैं पहले एक पिकैक्स। और मुझे एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, पर मेरे पास स्टोन तो है पर अभी काम का नहीं है, तो इसको रख लेते हैं सब कुछ। इस साइड एक्सटेंड कर लेते हैं और ग्रास ब्लॉक मैं ऑफलाइन ही फैलवाऊंगा ताकि और थोड़ी ग्रीनरी हो सके, क्योंकि अभी तो हमारा वर्ल्ड अच्छा नहीं लग रहा होगा, पर आगे जाकर ही काफ़ी। और एक और रैबिट आ चुका है जो कि अभी फिर से उड़ जाएगा, तो मुझे इसको देखना भी नहीं है क्योंकि अभी ये उछल के उड़ने वाला है और चला भी गया। ठीक है, ओके, हमारे पास एक एग आ चुका है चिकन का, तो मुझे लगता है मुझे इसे इधर ही फोड़ना चाहिए। वाओ, इसके ऊपर ही लग गया। ठीक है, चलो आके भी काम करते हैं क्योंकि इसके ऊपर ही लग चुका है। ओके गाइस, फाइनली दूसरी चिकन भी आ चुके हैं हमारे वर्ल्ड में, तो इसको भी मुझे पहले अंदर भेजना ही पड़ेगा। ओके, तो ये सीड्स खाते हैं, तो मेरे पास सीड्स तो है गए, तो जल्दी से सीड्स को निकाल लेते हैं। और इसका क्या करें बेचारेगा। ओके, इसको इधर ही खड़े रहने देते हैं, इसको एक सीड खिला देते हैं, चलो कोई बात नहीं, कितना तो हम कर ही सकते हैं। ओके, तो गाइस फिर से हम अपने काम पे लग जाते हैं क्योंकि मैंने सारा सामान चेस्ट में रख दिया है,
और मेरे पास 12 डॉट है, थोड़ी और डॉट मिल जाए तो मैं अच्छे से एक्सटेंड कर लूँगा अपना एरिया। तो वो ले लेते हैं और डॉट, और पता नहीं कब आएगा अगला स्टेज क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा देर से माइन कर रहा हूँ। ओके, ग्रास ब्लॉक आ चुका है, ठीक है। तो मुझे फिर से अपना एरिया एक्सटेंड करना चाहिए। इधर भी 3 ब्लॉक हैं, उधर भी 3 ब्लॉक है, इधर भी 3 ब्लॉक हैं और इधर भी। तो मुझे लगता है मुझे इस साइड को एरिया एक्सटेंड करना चाहिए अपना। ओके, इधर को ही एक्सटेंड करना है। इधर 3 ब्लॉक नहीं, इधर 4 ब्लॉक हो चुके हैं, 1 2 3 नहीं, इधर 3 ब्लॉक ही हैं। तो मुझे इधर को एरिया एक्सटेंड करना है अपना, और नीचे बस गिर मत जाना। ओके, इधर को एरिया एक्सटेंड कर लेते हैं पहले, और फिर इधर को। तो एक साथ दो साइड्स का एरिया तो एक्सटेंड हो ही जाएगा। ओके, एक साथ दो साइड का एरिया तो एक्सटेंड हो चुका है, तो रख देते हैं। तो दो साइड का एरिया एक्सटेंड हो चुका है और हमने काफ़ी ज़्यादा काम तो कर लिया है, और मेरे पास सामान भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है क्योंकि एक पूरा चेस्ट भी भर चुका है। तो आज की वीडियो में शायद इतना, क्योंकि आज की वीडियो में हमने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, और मैं इस ग्रास ब्लॉक के मतलब फैलने का भी देर करूँगा, इसलिए मैं काफ़ी देर अभी AFK बैठने वाला हूँ ताकि ग्रास ब्लॉक फैल जाए, हमारे वर्ल्ड में थोड़ी ग्रीनरी छा जाए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी बढ़िया लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और पता नहीं ये ग्रास ब्लॉक कब बढ़ेगा। गाइस, 1 लाइक फॉर 1 ग्रास ब्लॉक फैलना, यस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। 2000 years later.